और बड़ी खबर सोनाली फोगाट डेथ मिस्ट्री से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं, जहां पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तो गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली के पीए सुधीर सांगवान की नजर सोनाली के हिसार वाले फार्म हाउस पर थी और वो उसे हथियाने के लिए लीज पर लेना चाहता था। जानकारी के मुताबिक सुधीर ने सोनाली के फार्म हाउस के कागजात अपने नाम पर बनवा भी लिए थे और 20 साल के लीज के एग्रीमेंट में फार्म हाउस के लिए 60,000 रुपए सालाना किराया तय किया गया था। कागजात तैयार करने वाले वकील से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको ये भी बता दें कि हिसार में सोनाली फोगाट का फार्म हाउस 6 एकड़ में बना है और इसकी कीमत 6 से 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को सुधीर सांगवान दरअसल 60,000 रुपए साल के किराए पर अपने पास रखना चाहता था। अब पुलिस इस मामले पे जांच इस एंगल से कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए सुधीर सांगवान ने इस पूरे मर्डर को प्लान किया है। धारा 302 के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लिहाजा इसी दिशा में तमाम कार्रवाइयां जो है वो की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे बड़े हो रहे हैं। गोवा पुलिस दरअसल हिसार में पहुंची थी और उसके बाद ये एक बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लगा है। तो देखिए आपको 5 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि अब हिसार में गोवा पुलिस लगातार छानबीन पूरे मामले में कर रही है और नए नए खुलासे जो कि चौंकाने वाले हैं। ऐसे में गुरुग्राम में भी अब जो सुराग है उनको ढूंढा जाएगा। हर कदम पर कोई कातिल है, कहां जाए कोई। एक मौत, दर्जनों सवाल, 2 राज्यों में कनेक्शन। जैसे जैसे जांच की आंच तेज हो रही है, पुलिस के सामने नई नई बातें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में गोवा पुलिस ने अब एक नया चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें बताया गया है कि सोनाली का पीए सुधीर सांगवान उसका फार्म हाउस लीज पर लेना चाहता था। वो सोनाली का हिसार वाला फार्म हाउस अपने नाम पर 20 साल की लीज पर लेना चाहता था। इसके लिए उसने कागजात अपने नाम पर तैयार करवा लिए थे। उसने सिर्फ 60,000 रुपए सालाना किराया देने का अग्रीमेंट तैयार करवाया था। फिलहाल गोवा पुलिस उस वकील से भी पूछताछ कर रही है जिसने कागजात तैयार किए थे। सोनाली का जिस इलाके में फार्म हाउस है वहां 1 एकड़ जमीन की कीमत करीब 6 से 7 करोड़ रुपए है। सोनाली का फार्म हाउस 6.5 एकड़ में फैला है। फोगाट के फार्म हाउस आए थे, अब आपने कहा कि अभी जांच यहां से हो चुकी है, आगे का क्या प्लान है? आप लोग क्या संत नगर और गुरुग्राम की तरफ कब बढ़ेंगे? हम अभी हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन लेंगे और जो कुछ इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और बाद में आदेश ऐसा आता है वैसा इन्वेस्टिगेशन। वहीं अब परिवार की दरख्वास्त पर पुलिस ने सोनाली के फार्म हाउस की तलाशी शुरू कर दी है। परिवार वालों का आरोप है कि सोनाली के फार्म हाउस से एक लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरों का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और कुछ दस्तावेज भी चोरी हो गए थे। अब सच क्या है, इसके पीछे का सच लाने की कोशिश की जा रही है। फार्म हाउस के स्टाफ से पूछताछ होगी। पुलिस की हिरासत में सुधीर के सहयोगी शिवम, पुलिस ने शिवम से पूछताछ भी की है। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर परिवार का जो आरोप है उसमें कितना दम है। दूसरी तरफ गुरुग्राम के जिस फ्लैट में सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट किराए पर रहते थे वो फ्लैट भी अब जांच के घेरे में है। कहा जा रहा है कि गोवा जाने से पहले दोनों गुरुग्राम के इसी फ्लैट से निकले थे। हमारे साथ संदीप फोगाट जी हैं जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। सर ये लोग कब से यहाँ पे रह रहे थे? सर ये 1 जून 2022 से यहाँ पे उन्होंने किराए पे लिया था ये फ्लैट। और सर ये अक्सर आया जाया करते थे यहाँ पे? जी हाँ, ये 1 जून के बाद से लगातार यहाँ पे हर हफ्ते सुधीर सांगवान तो मोस्टली यहाँ रहता ही था और सोनाली भी 3-4 बार यहाँ पे रह के गई है। आखिरी बार सर कब देखा था गया था लोगों को? लास्ट टाइम सर वो शायद 22 तारीख को सुना है कि 22 को यहाँ पे आए हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और यहीं से फिर उन्होंने टैक्सी लेके वो एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इसी फ्लैट पर कुछ दिन पहले सोनाली फोगाट की बहन भी रहने आई थी और ये भी कहा जा रहा है कि इस फ्लैट में सुधीर ज्यादा रहता था, सोनाली कभी कभार ही रहती थी। इधर हरियाणा की पुलिस जांच कर रही है तो गोवा की पुलिस भी हिसार तक आ पहुंची है। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुधीर सांगवान, सुखविंदर, कार्लेज रेस्टोरेंट के मालिक, 2 ड्रग पैडलर, ये सभी अभी भी पुलिस की कस्टडी में हैं और उससे लगातार पूछताछ जारी है।
लेकिन गोवा पुलिस की जांच से न सोनाली के परिजन संतुष्ट हैं और न ही ढाका खाप, और यही वजह है कि खाप के लोग अब सोनाली के समर्थन में उतर आए हैं। सीबीआई जांच की मांग को लेकर उन्होंने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। हम यही मांग करते हैं कि जो गोवा सरकार, गोवा पुलिस, गोवा प्रशासन जो काम कर रहा है वो हम उसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इसमें सारा निकल के दूध का दूध और पानी का पानी आना चाहिए, और इसके पीछे जो लग रहा है वो पीछे बहुत राजनीतिक षड्यंत्र भी दिखाई दे रहा है। सारी बातों के बाद सवाल यही है कि सोनाली की मौत का असली जिम्मेदार कौन है और पुलिस इसे लेकर कब तक खुलासे करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।